फैसले से पहले डेटा प्रमुख राम रहीम का पहला बयान, फेसबुक पर लिखा हमारे बैक में दर्द है लेकिन कोर्ट जरूर जाएंगे। पंजाब हरियाणा में बढ़ते तनाव पर संत राम रहीम की अपील, सभी शांति बनाए रखें। डेरा प्रमुख के फैसले से पहले पैदा हालात पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, कैसे लाखों लोग पहुंच गए पंचकुला। हाईकोर्ट ने किया सवाल, 144 लगने का क्या मतलब था, सेना को रख सकते थे तैयार, क्यों नहीं हरियाणा डीजीपी को बर्खास्त किया जाए। पंजाब हरियाणा में अगले 72 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का ऐलान, ट्रेनों और बसों को रोकने का निर्देश। राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर अलर्ट पर हरियाणा, पंजाब पंचकुला में कल भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, अस्पतालों में डॉक्टरों की छुट्टियां की रद्द। 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा, प्रमुख राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर अलर्ट पर हरियाणा, पानीपत में टोल प्लाजा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। राम रहीम पर फैसले को लेकर पंजाब में भी सतर्क हुई पुलिस, बठिंडा में केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस ने घोड़ों के साथ किया फ्लैग मार्च। 25 अगस्त को हालात बिगड़ने पर उपद्रवियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है पुलिस, हरियाणा में फतेहाबाद के डीसी ने कहा सभी विकल्प खुले। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर फैसले से पहले केंद्र से राज्य तक सरकारें सतर्क, गृह मंत्रालय ने भेजी अर्धसैनिक बलों की 167 कंपनियां। सीआरपीएफ की 97 कंपनियों में से 4 महिला कंपनी, पंजाब हरियाणा के बीएसएफ की 21 और आईटीबीपी की 12 कंपनियां तैनात। हरियाणा सरकार ने अपने तमाम विधायकों और मंत्रियों की फील्ड में लगाई ड्यूटी, डेरा समर्थकों को शांत रखने की जिम्मेदारी। चंडीगढ़ में फैसले को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा, बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। संत रामपाल पर अब 29 अगस्त को आएगा एसआर कोर्ट का फैसला, सरकारी काम में बाधा डालने और आश्रम में लोगों को बंधक बनाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को बड़ा झटका, निष्ठा का अधिकार है नागरिकों का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला, निष्ठा की संविधान की धारा 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के मामले पर भी असर, प्रशांत भूषण ने कहा आम आदमी के हक में फैसला। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, खाना पीना शादी ब्याह और आपसी संवाद का हक अब मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से ऑटर जनरल ने दी थी दलील, निष्ठा के अधिकार का संविधान में कोई जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पी चिदम्बरम ने कहा 1947 में मिली आजादी और समृद्ध और व्यापक। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान, उन ताकतों की हार जो हमारी जिंदगी में दखल देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिवों के साथ की मुलाकात, सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा। 2022 तक न्यू इंडिया बनाने के लक्ष्य को लेकर पीएम ने दिए निर्देश, देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों पर ध्यान दे अधिकारी। पटना में आज जेडीयू विधायकों और पार्षदों की बैठक, नीतीश कुमार करेंगे अध्यक्षता। बिहार में सृजन घोटाले पर बवाल जारी, आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। 27 अगस्त को विपक्षी रैली पर मायावती का बड़ा बयान, रैली में शामिल नहीं होने की बताई वजह। मायावती ने कहा पहले हो सीट का बंटवारा फिर हो सेकुलर मोर्चे की बात। मायावती ने कहा उनकी पार्टी सेकुलर मोर्चे की एकजुटता की समर्थक, लेकिन कोई भी गठजोड़ सीट बंटवारे पर निर्भर। बिहार के बाढ़ को लेकर लालू यादव ने रैली स्थगित करने से किया इनकार, कहा इससे बाढ़ पर कोई असर नहीं। भारत दौरे पर आए नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा, 8 समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी के साथ शेर बहादुर देउबा की मुलाकात, साझा बयान में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिले शेर बहादुर देउबा, कहा नेपाल के विकास में भारत की अहम भूमिका। सुबह राष्ट्रपति भवन में शेर बहादुर देउबा का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, पीएम मोदी भी मौजूद। अश्विनी लोहानी ने संभाला रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन का पदभार, कहा सुरक्षा और सफाई पर रहेगा जोर। एयर इंडिया ने जारी किया प्रेस रिलीज, नए सीएमडी बने राजीव बंसल। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कैंपस में बनाई जा रही गौशाला, अगले सत्र से होगी शुरुआत। इस साल दुर्गा पूजा और मुहर्रम है एक साथ, ममता बनर्जी ने 24 घंटे के लिए विसर्जन पर लगाई रोक, लोगों से दुष्प्रचार अभियान से बचने की अपील की।
गोरखपुर में बच्चों की मौत के मामले में FIR दर्ज। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बच्चों की मौत मामले में BRDA अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और उनकी पत्नी का नाम, विभागाध्यक्ष और पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी के खिलाफ भी केस। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की 6 धाराओं में दर्ज हुआ केस। गोरखपुर में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने पर बच्चों की मौत का मामला। गोरखपुर कांड में यूपी के मुख्य सचिव की 4 सदस्य कमेटी ने हादसे के दोषियों की पहचान कर सीएम को सौंपी जांच रिपोर्ट, कड़ी कार्रवाई की सिफारिश। सीएम योगी ने किया फैजाबाद के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का हवाई दौरा, राहत सामग्री का वितरण। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों पर बढ़ी सियासत, भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। झालावाड़ में स्वाइन फ्लू के 3 मरीज, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। हिमाचल के मंडी में 12वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल के मंडी में 12 दिन बाद 12 घंटे के लिए खुला रास्ता, 13 अगस्त को यहां हादसे में हुई थी 46 लोगों की मौत। दिल्ली के गोकुलपुर में मकानों में दरार और जमीन धंसने की घटना से दहशत, पूर्वी दिल्ली के मेयर ने किया दौरा। वाराणसी में सैर के दौरान गंगा में सेल्फी प्रतिबंधित, 10 अक्टूबर तक लगी धारा 144। विश्व धरोहर फूलों की घाटी ने तोड़ा पर्यटकों का रिकॉर्ड, अब तक 11,000 विदेशी पर्यटक कर चुके हैं दौरा। 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी फूलों की घाटी, ब्रह्म कमल के फूलों का खास आकर्षण। गणपति पूजा की तैयारियां शुरू, बाहुबली गणेश और लालबाग के राजा वाली मूर्तियां सबसे लोकप्रिय। गुजरात के नर्मदा में गणपति ले जा रहे 2 गुटों में झड़प, कई घंटे तक थाने में रहे दोनों गणपति।